हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आधार कार्ड में अपना नाम ऑनलाइन किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कितना हमारा चार्ज लगेगा, कितने दिन में अपडेट हो जाएगा और क्या डॉक्यूमेंट हमारे इसमें लगेंगे। तो नाम अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका आधार नंबर मांगा जाता है, कैप्चा कोड मांगा जाता है। केवल वही लोग आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है। जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है, उन्हें आधार सेंटर जाके अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आप आधार कार्ड का सभी काम कर सकते हैं। आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी आधार कार्ड मंगा सकते हैं, आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, उसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नीचे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए जो भी आप रिक्वेस्ट डालते हैं वो सभी नीचे आ जाती है। जैसे मैंने पहले डेट ऑफ बर्थ अपडेट करके आपको दिखाया था तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब नाम अपडेट करने के लिए आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम आधार कार्ड में क्या अपडेट करना चाहते हैं। जैसे हम ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट कर सकते हैं, अपनी उम्र अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं और एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस में ही दोस्तों हमारे पिता या पति का नाम भी आता है। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने की मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप आधार कार्ड में एक बार में एक से ज्यादा चीज भी अपडेट कर सकते हैं। मान लो आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों गलत है, दोनों अपडेट करना चाहते हैं तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। तीन चीज अपडेट करना चाहते हैं तो तीन चीज भी एक साथ कर सकते हैं। अगर आपको खाली जेंडर अपडेट करना है तो जेंडर अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको मोबाइल नंबर या बाकी और चीज अपडेट करनी है तो वो आपको आधार सेंटर से जाकर करानी होगी। मुझे नाम अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो आपका पुराना नाम होगा वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दिखा दिया जाएगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपका नया नाम मांगा जाएगा। जो भी नाम आप नया डालना चाहते हैं, जो भी अपडेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको नया नाम डालना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर डेमो डाल दिया, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर आपका हिंदी में सही नहीं आता है तो आप हिंदी में कहीं भी लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नाम अपडेट करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट में से आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाना है। जो भी डॉक्यूमेंट दोस्तों आप यहाँ पर देते हैं उस डॉक्यूमेंट में आपका नया वाला नाम होना चाहिए, यानी जो आप अपडेट करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बैंक पासबुक का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ से आप लेटर पैड लिखवाकर या स्कूल का आई कार्ड या दोस्तों आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वोटर आईडी कार्ड पे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपने नया नाम रखा गया है वो यहाँ पर प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अलो पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे भी आना है और यहाँ पर भी एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट का, यहाँ पर हमारे 50 रुपया हमें पेमेंट करने होंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, किस चीज से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से या एटीएम कार्ड से, जिससे भी चाहे वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और आपको एक एक्नोलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक इस तरीके से स्लिप मिलेगी। यहाँ पर आपका जो आधार नंबर आ जाएगा और जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली है, यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, इससे आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पेमेंट की डेट आ चुकी है और जो पेमेंट और जो आधार कार्ड ने और जो आधार कार्ड में आपने करेक्शन कराया वो यहाँ पर आ चुका है। जो भी कराया, नाम कराया है, वो डेट ऑफ बर्थ कराया है, जो भी कराया वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर पुराना आपका क्या डाटा था, यानी पुराना क्या नाम था, वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर नया नाम क्या रखा है आपने, वो यहाँ पर आ जाएगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड 7 से 15 दिन में अपडेट हो जाएगा और बाय पोस्ट 20 से 25 दिन में आपका आधार कार्ड आपके एड्रेस पर आ जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड आपके एड्रेस पर नहीं आता है तो उसे ऑनलाइन ही आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि हमारे आधार कार्ड में हमारा नाम अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी हमारा जो आधार कार्ड है हो सकता है रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो उसके लिए दोस्तों आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर सभी रिक्वेस्ट आपकी दिखा दी जाएगी। यहाँ पर आधार कार्ड में आपने क्या अपडेट कराया, जैसे मैंने आधार कार्ड पीवीसी ऑर्डर किया था वो यहाँ पर हमारा आ गया था। उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करके दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा जो मैंने आज रिक्वेस्ट डाली है नाम के लिए, तो यहाँ पर इसका SRN नंबर आ चुका है और यहाँ से आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पे ड्राफ्ट दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट स्टेज है, फिर वेरिफिकेशन स्टेज हो जाता है
और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट आपने दिए वो सही है तो हमारे यहाँ पर आधार कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, यानी हमारा आधार कार्ड जो अपडेट हो जाता है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट देते हैं, गलत अपडेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आधार कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ऑनलाइन अपने घर बैठे हम अपने आधार कार्ड में अपना नाम सुधार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।